चुनावी मौसम में नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना आम बात है। अक्सर माना जाता है कि चुनावों से पहले जिस पार्टी की जीत की ज्यादा संभावना होती है, नेताओं का रुझान भी उसी दल की ओर होता है। लेकिन क्या इस चलन से समाजवादी पार्टी की जीत सुनिश्चित मानी जा सकती है? क्योंकि हाल ही में बीएसपी के 6 और बीजेपी के 1 विधायक समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। सपा का दावा है कि अभी तो ये शुरुआत है, कई विधायक लाइन में लगे हैं, दर्जन भर विधायक तो बीजेपी के ही हैं। अगर मामला पूरे तरीके से सेट हो गया तो अगले कुछ दिनों में बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीएसपी के भी 5 से 6 विधायक एसपी में आने के लिए दस्तक दे रहे हैं। ये दावा है समाजवादी पार्टी का। सपा का दावा है कि पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले दूसरे दलों के कई विधायक समाजवादी पार्टी में आना चाहते हैं, जिसमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो 3 हफ्ते पहले दिल्ली में एक पूर्वांचल के सांसद से भी मुलाकात कर चुके हैं। उसके बाद से सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के नेताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में बात बनते ही ये लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, जिसमें से बीजेपी के 10 से 12 और बीएसपी के 5 से 6 विधायक लगातार समाजवादी पार्टी के संपर्क में हैं। सपा के मुख्य प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि उनकी पार्टी उन सभी लोगों का स्वागत करती है जो समाजवादी पार्टी की विचारधारा से अपना वास्ता रखते हैं। चौधरी कहते हैं कि साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के संपर्क में बहुत से बड़े नेता हैं जो जल्द ही उनकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। बीजेपी के कई विधायक हैं जो अपनी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कई विधायक योगी आदित्यनाथ से नाराज हैं और वो सपा के संपर्क में हैं। लेकिन पार्टी हर किसी को शामिल नहीं करेगी। आपको बता दें कि शनिवार को ही दूसरे दलों के 7 विधायकों ने सपा की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें बीएसपी के 6 विधायकों के अलावा सीतापुर से बीजेपी विधायक राकेश राठौर भी शामिल हैं। खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में सभी 7 विधायकों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। DB लाइव की रिपोर्ट।